हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सी होम रेमेडी जिसके थ्रू हम अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज को बहुत ही थिक एंड स्ट्रांग बना सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, एक एम्प्टी बोल एंड अ स्पून, कैस्टर ऑयल, विटामिन की कैप्सूल्स और सम टूथपिक्स। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही सिंपल और इजीली अवेलेबल होते हैं हमारी लोकल मार्केट में। ये दोनों चीजें, कैस्टर ऑयल एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स, आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, हमें इस विटामिन ई की कैप्सूल को इस बोल में पोर कर लेना है। एंड ये कैस्टर ऑयल बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, 2-3 ड्रॉप्स ओनली। इसे भी हम इसमें पोर कर देंगे और अब इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इस मिक्सचर को अपने रेफ्रिजरेटर में अराउंड 1 वीक तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में। स्मॉल जो डब्बे टाइप के आते हैं उनमें भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हो अपने रेफ्रिजरेटर में। और इसे रोज आप रात को सोने से पहले अप्लाई करके अपने आईलैशेस एंड अपने आईब्रोज पे सोए और मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर ले। तो इसे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे आईब्रोज और आईलैशेस पे अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस, इस मिक्सचर को हमें एक टूथपिक की हेल्प से अप्लाई करना है। इसमें हम पहले अच्छे से अपने टूथपिक को रोल कर लेंगे। इसका जो कॉटन वाला पोर्शन है ये अब अच्छे से वेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इसे हमें फिर इस तरीके से अपने, जैसे हम मस्कारा अप्लाई करते हैं, इस तरीके से अपने आईलैशेस पे अप्लाई करना है। और सेम ही हमें अपने आईब्रोज पे भी अप्लाई करना है। अब इसे मैं रात को लगा करके सो जाऊंगी और मॉर्निंग में फ्रेश वाटर से फेस वॉश कर लूंगी। आप लोग ये रेमेडी अराउंड 2-3 वीक्स ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। और प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।